हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंटरलिंकिंग क्या होता है, लिंक बूस्ट क्या होता है। वर्डप्रेस के अंदर ऐसा एक प्लगइन है जो आपके इंटरनल पोस्ट को लिंक कर देता है। इसके बारे में मे भी आपने इससे पहले कभी सुना होगा कि लिंक बूस्टिंग या इंटरलिंकिंग, इंटर बूस्टिंग क्या है। सो अगर आप ब्लॉगर हैं और आपकी वेबसाइट से पोस्ट करते हैं, तो आप वर्डप्रेस के इस प्लगइन के थ्रू अपनी वेबसाइट के बाउंस रेट जो है उसको घटा सकते हैं और विजिटर्स को इंगेज कर सकते हैं इस इंटरलिंकिंग प्लगइन के थ्रू। आप इंटरनल लिंक करके सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे प्लगइन्स मिलेंगे। सो मैंने जो अभी ट्राई किया है वो ये वाला प्लगइन है, इंटरनल लिंक्स मैनेजर। और ये वाला भी एक राइट साइड में आप प्लगइन देख रहे होंगे, ये भी मैंने ट्राई किया, ये भी काफ़ी अच्छा है। ये मैंने दूसरे ब्लॉग पे अप्लाई किया बट उसका रिजल्ट्स क्या है वो मैंने अभी तक चेक नहीं किया है। ये वाला प्लगइन्स मैंने यहाँ से इंस्टॉल किया। आपको भी सिंपल ऐसे ही करना है, इंटरनल लिंक्स करना है, या फिर ये आप पूरा कॉपी कर लीजिए और कॉपी करके आप सर्च करिए, आपको ये प्लगइन मिलेगा। अभी मैं बताता हूँ आपको ये प्लगइन को यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले आपको प्लगइन लेफ्ट साइड में आपको दिख जाएगा, प्लगइन में आना है। आप ऑल लिंक क्लिक कर लीजिए या एड न्यू लिंक पर क्लिक कर लीजिए। और अभी हम विजिट करेंगे हमारे ब्लॉग पर, और ये देखिए यहाँ पर ये जो है मैंने तीन कीवर्ड्स को लिंक किया हुआ है, वर्डप्रेस प्लगइन, वर्डप्रेस वेबसाइट एंड डू फॉलो बैकलिंक। और किस किस कीवर्ड्स को टारगेट किया है वो भी आप पर दिखा रहा है, और कौन से पेज पे वो रीडायरेक्ट होगा वो भी आपको यहाँ पर दिखाएगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मेरे पेज पर जाता हूँ और इस कीवर्ड को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड मेरी वेबसाइट में ऑन करता हूँ। मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से वर्क करता है। फिर उसके बाद में लास्ट में मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप कीवर्ड फाइंड करें और किस तरह से ऐड करें। तो दोस्तों, वेबसाइट बहुत ही इजी तरीके से आप आपके इंटरनल लिंक चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं एक ले लेता हूँ, कोई भी वर्डप्रेस का पोस्ट, पहले मैं कैटेगरी में से सर्च कर लेता हूँ। ये यहाँ पर मैंने निकाल लिया है फाइव फाइव बेस्ट वर्डप्रेस प्लगइन फॉर फ्री एंड पेड। और यहाँ पर देखेंगे आप तो कहीं ना कहीं वर्डप्रेस के लिंक्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हुए होंगे। देखिए ये वर्डप्रेस वेबसाइट जो लिंक है ये ऑटोमेटिकली प्लगइन ने किया हुआ है। देखिए यहाँ पर मैंने वर्डप्रेस वेबसाइट ये वाला कीवर्ड्स है वर्डप्रेस वेबसाइट का, और ये लिंक किया है हाउ टू क्रिएट ए वर्डप्रेस वेबसाइट यूआरएल पे। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली इस पेज पे आ जाएगा। तो बेनिफिट क्या होगा कि आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट, अगर एक विजिटर आपका पढ़ते पढ़ते इधर से किसी दूसरे पेज पर क्लिक करता है तो आपका बाउंस रेट रिड्यूस हो जाता है, लो हो जाता है। देखिए दूसरा एग्जांपल ये दिया हुआ है, एडवांस सिक्योरिटी स्कैनर। तो एडवांस सिक्योरिटी इसको मैंने एज ए बैकलिंक काउंट किया हुआ है। ये सिस्टम है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका एडवांस फीचर क्या है इस प्लगइन के अंदर। साथ साथ में ये देते हैं स्टेटिस्टिक, मींस कितने क्लिक कौन से कीवर्ड से होकर कौन से पेज पे पहुंचे वो आपको यहाँ पर दिखाएगा। तो देखिए अभी तो ये मैंने आज ही डाला है, 6 तारीख है आज, 6 जनवरी, और एक ही क्लिक जो है वो कन्वर्ट हुआ है एज ए लिंक्स के थ्रू। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डेट है कैलेंडर का, आज 6 जनवरी है, मैंने इसको आज ही इसको यूज़ किया और आज ही आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मीन्स एक लिंक एक विजिटर्स इंक्रीज हो जाता है, एक एक विजिटर इम्पोर्टेंस है ब्लॉगिंग के लिए। आप अगर ब्लॉगिंग कर रहे हैं, रैंकिंग कर रहे हैं, आपको कंपटीशन देना है, तो गूगल सर्च के थ्रू आपके पास आया एक एक विजिटर इम्पोर्टेंस है। तो उसको रोकने के लिए, एंगेज करने के लिए आप जितना भी टैक्टिक्स या जितना भी स्ट्रेटेजी यूज़ करना है आपको करते रहना चाहिए। तो दोस्तों अभी हम चाह रहे हैं हमारे इस एड न्यू लिंक्स को एग्जाम्पल देखने के लिए कि किस तरह से अभी हम न्यू एग्जाम्पल बनाएं। यहाँ पर सिंपली आप देखेंगे तो इंटरनल टाइटल ये हमारे पर्पस के लिए है। मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल दे देता हूँ एसईओ या ऑन पेज एसईओ। वेबसाइट के पूरी वेबसाइट्स में अगर मेरे पास 50 आर्टिकल है, 50 आर्टिकल में जहां पर भी ऑन पेज एसईओ वर्ड रहेगा, ऑन पेज नहीं, यहां पर ये पूछ रहा है कि किस पेज से आपको लिंक करना है।
तो मैंने यहाँ पर ये पेज दिया, पेज का टाइटल शो हो रहा है। आप तो जैसे ही टाइप करेंगे तो आपके सारे पेज के टाइटल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा एच एक्स सर्च के थ्रू। सो ये मैंने पेज को टारगेट किया है, और यहाँ पर कौन कौन से वर्ड पर वो कीवर्ड्स लिंक करेगा। अभी ऑन पेज एसईओ मेरा जहाँ पर भी होगा ये पेज इंटरनली लिंक हो जाएगा। और फॉर एग्जाम्पल मैं एसईओ दे देता हूँ, एसईओ टेक्निक। और एसईओ एक्टिविटी। अभी ये जितनी जगह भी मेरे वेबसाइट पर होगा दूसरे पोस्ट में, वो ऑटोमेटिकली इस पेज को लिंक कर देगा। इसके आगे एडवांस है, ऑप्शन है कि आपको लिंक का टाइटल देना है कुछ या नहीं, और नंबर ऑफ बैकलिंक्स कितने बनाना है। अनलिमिटेड बनाना है तो आप इधर -1 कर दीजिए। सो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 3 से 4 5 इंटरनल लिंक एक पेज पर काफ़ी हो गए। और उसके अलावा ये ऑप्शन है एक कि उसको नो फॉलो लिंक ऐड करना है या डू फॉलो करना है, तो आप नो फॉलो रखिए इंटरनल लिंक को, कोई इशू नहीं है, ऑलरेडी नो फॉलो ही होते हैं। और ओपन इन सेम टैब करना है या न्यू टैब में ओपन करना है वो भी आप सेलेक्ट कर लेते हैं। आपका सेम वेबसाइट से लिंक हो रहा है तो आपको सेम पेज पर ही रखिए उसको, सेम टैब पर ही। और इसको जस्ट हम सेव कर देते हैं, तो ये हमारा ऑन पेज एसईओ का ये जो है टाइटल, ये हमारे सेल्फ पर्पज़ के लिए, यूजर्स को नहीं दिखता। और ऑन पेज एसईओ जहाँ पर भी होगा आपकी वेबसाइट पर, वो इस पेज से लिंक हो गया होगा। सो अभी मैं चलता हूँ मेरी वेबसाइट पर और मैं पोस्ट खोलता हूँ ऑन पेज एसईओ का। सो मैं बेसिकली खोलूँगा ऑफ पेज एसईओ का। ये देख लेते हैं सर्च कंसोल, गूगल सर्च कंसोल फ्री एसईओ टूल्स, इसमें कहीं पर ऑन पेज रहेगा या एसईओ रहेगा। फ्री एसईओ टूल्स, ये मैन्युअली लिंक किया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल भी लिंक्स नहीं आए, तो मुझे एसईओ के दूसरे किसी आर्टिकल्स में जाना रहेगा जहाँ पर ऑन पेज एसईओ का लिंक मुझे मिल जाए। देखिए हम ऑफ पेज में जाते हैं, ऑफ पेज एसईओ में कहीं ना कहीं ऑन पेज एसईओ एक्सप्लेन किया होगा और वो लिंक ऑटोमेटिकली बन जाएगा, जिससे वो रिलेशन मेंटेन होता है। और वो देखिए यहाँ पर ऑफ पेज एसईओ जो है वो लिंक बन गया, जो कि मैंने नहीं बनाया, ये ऑटोमेटिकली ऑन पेज एसईओ ये रिपीट बना दिया। एंड ऑफ पेज एसईओ डू फॉलो लिंक पर गया हुआ है। सो ये इंटरनल लिंक्स हैं। इंटरनल लिंक्स का एक मेजर बेनिफिट क्या होता है कि जब आप गूगल पे सर्च करते हैं तो गूगल सर्च स्प्लिट में आपका लिंक ऑटोमेटिकली आ जाता है, आपने काफ़ी टाइम देखा होगा। सो देखिए ये एसईओ एक्टिविटीज़ का भी मैंने एक लिंक दिया है, ये भी इसी पेज से लिंक हुआ है। आपको मैं क्लिक करके भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से वो रीडायरेक्ट होता है। तो दोस्तों इंटरनल लिंक्स जो है आपकी बूस्टिंग के लिए, आपकी वेबसाइट को इंगेज करने के लिए लोगों को काफ़ी इम्पोर्टेंस है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखिए ये हमारा इंटरनल लिंक्स हो गया है, और इंटरनल लिंक्स करने के लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। सिर्फ आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर, इस प्लगइन के अंदर एड न्यू आना, एड न्यू पे क्लिक करना है, आपका टाइटल इंटरनल देना है, और कौन से कीवर्ड से किस पेज को लिंक करना है वो आपका इंटरनल लिंक हो गया। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, लाइक एंड शेयर, एंड कुछ भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स करके पूछ लीजिए, कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।